आगरा में एक साथ 25 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आगरा पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। आगरा पुलिस ने शाहगंज, आजमपाड़ा और मंटोला जैसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में बनी मस्जिदों पर रखी पैनी नजर। इन सभी क्षेत्रों को किया जाएगा सैनिटाइज, लोग रहेंगे घरों में नजरबंद। आगरा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पॉजिटिव लोगों में जमातियों का आंकड़ा लगातार बढ़ा। आगरा पुलिस के अनुसार अब किसी ने संक्रमित मरीज को छुपाने की कोशिश की तो होगी कार्रवाई। आज से लॉकडाउन पूरी तरह से होगा प्रभावी। टीम को अब तक कितने पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई सर, क्या जानकारी है? अभी हमारे पास 25 पॉजिटिव पेशेंट्स वो और आ गए हैं, तो पहले 20 और 25 लगभग 45 हमारे पास हैं, ठीक है, जिसमें से 25 जो आज नए आए हैं उनमें से एक तो SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, बाकी जो 24 हैं वो यही इन्हीं से रिलेटेड हैं, निजामुद्दीन एंड जमाती जो है। किस तरह के सर एहतियात अब बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? इसमें हम लोग फिक्स आइसोलेशन वार्ड देख देख के हम भेज रहे हैं इनको, जैसे जैसे आते जा रहे हैं अलग अलग वार्ड्स में भेजते हैं, जहाँ क्योंकि एक ही वार्ड पर लोड बढ़ाना भी ठीक नहीं है अभी, तो सभी वार्ड्स पर थोड़ा आइसोलेशन वार्ड्स पर जगह जगह हम इनको भेजें। जमातियों को क्या सर अलग अलग रखा जा रहा है, मतलब बाकी मरीजों से? नहीं, अलग नहीं रखा जा रहा है, जो दूसरे मरीज हैं उनको भी साथ में रख रहे हैं, ऐसा कोई डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आइसोलेशन वार्ड मान लो हमारे 4 हैं तो 4 में थोड़े थोड़े हम डिवाइड कर रहे हैं। सर कितने क्वारंटाइन सेंटर्स आगरा में टोटल बनाए गए सर, बेड्स वगैरह की? क्वारंटाइन हमारा जैसे मूलचंद हॉस्पिटल है, नैती हॉस्पिटल है, और इधर मेडिकल कॉलेज में भी अभी 18 बेड्स का क्वारंटाइन वार्ड है हमारे पास, और जो होटल्स हैं वो भी हमने लिए हुए हैं, शेल्टर हाउस लिए हुए हैं, हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, और ये FH हॉस्पिटल है उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। नेमिनाथ में हमारे यहाँ ऑलरेडी एक बार हमने यूज भी किया था, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यूज़ करेंगे। लोगों से सर क्या अपील रहेगी, लगातार संख्या बढ़ रही है? लोगों से यही अपील रहेगी कि अपने अपने घर में रहें और मजबूरी में बाहर निकलें। देखिए बाकी बीमारी जो छोटी मोटी जुकाम खांसी बुखार ये होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई हिस्ट्री अगर बाहर से आने की है या उनसे मिलने की अगर हिस्ट्री है तो आप लोग आगे आएँ और अपनी जांच करें। सर डॉक्टर राजेंद्र बंसल ने भी बता रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन को सूचना नहीं दी, काफ़ी सारे मरीजों का इलाज भी किया, अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग वहाँ पर हैं। नहीं, उसमें एक्चुअल में उनको खुद ही पता नहीं चल पाया कि मैं कोरोना से इन्फेक्शन है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ पेशेंट की थी तो उसमें ये निकाल जा सकते गलती किसकी। अभी सर कितने लोगों की वहाँ से सैंपलिंग हुई है? अभी करीब 140 या के आसपास हमने सैंपलिंग दी है। आज कल आज तो शाम को फिगर पता लगेगी। जनपद आगरा में कल रात तक की जो फिगर आई है उसके तहत अभी तक 45 केसेस हो गए हैं, इसमें से 8 लोग हमारे सकुशल वापस चले गए हैं। एक्टिव केस की संख्या जनपद में अभी 37 है। इस 37 में से जो कुछ लोग जो अभी जमात ग्रुप था, जो निजामुद्दीन से कुछ लौटे थे या उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे, इनको अलग से आइसोलेट करके हम लोगों ने टोटल 137 लोगों को 3 डिफरेंट लोकेशन पर रखा हुआ था। उन सबकी सैंपल कर ली गई थी। सबसे पहले 28 ग्रुप जो लौटा था एक साथ उनकी सैंपल की गई थी, पुनः एक 61 ग्रुप था उसकी की गई थी, और कल मिला के सब 137 पहुँचे हैं। इसमें जो रिपोर्ट आई है हमारी, इस ग्रुप में से 31 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इनको अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पर रखा जा रहा है। जो जगह था जहाँ से आए थे, खासकर कुछ एरियाज जो था हमारा, जो आजमपाड़ा एरिया था, रामजनी था, मॉर्निंग में हम और SSP साहब जाकर के उसको लॉकडाउन को चेक कर लिया गया है। उस खासकर जगह जहाँ जहाँ से इनका मूवमेंट था उसको टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है, ताकि इस वायरस का स्प्रेड वहाँ के आसपास न हो पाए। अलग से नगर निगम की टीम को लगा के वहाँ मॉपिंग प्रॉपर कराने के आदेश दिए गए अभी, और टीम पहुँच गई है, प्रॉपर मॉपिंग कराया जाएगा, इनकी लिस्टिंग कराई जा रही है, और ताकि ये संख्या जितनी ले लें हम उसको लेकर के उन सबका हम सैंपल करा लें। और इन जितने भी लोगों को सैंपल किया हमने, अलग से जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स थे वहाँ रखा गया है।